नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आसान भाषा में। दोस्तों, ये वीडियो कोई एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो खास नहीं है टेक के रिलेटेड में, जैसा कि आप हमारे चैनल पर रेगुलर देखते हैं उस तरह का ये वीडियोस नहीं है। ये वीडियो दो बातें आपसे करने के लिए है। पहला, एक जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुका होगा कि हमारे चैनल पर लगभग 1000 सब्सक्राइबर जो है वो जुड़ चुके हैं। आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से आज हमारे चैनल पर 1000 से ज़्यादा लोग जो है जुड़ चुके हैं और हमारा मोनेटाइजेशन भी यहाँ पर इनेबल हो गया है। तो इसके लिए आप सबको बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद। आप लोगों के प्यार की वजह से ही आज हमारे चैनल पर जो है 1000 से ज़्यादा लोग बहुत कम टाइम में जुड़ चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। तो दूसरा टॉपिक ये है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि मैं आज इस अवसर पर आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये टॉपिक खास करके क्रिएटर्स के लिए है जो कि अभी अभी यूट्यूब पर आए हैं और या फिर अभी यूट्यूब स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स पर देखा है कि जो बात मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, वो बात आपको बहुत ही कम चैनल पर लोग बताते हैं, बताने से या तो डरते हैं या फिर बताना नहीं चाहते। लेकिन मैंने अपने जर्नी में जो भी सीखा है वो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि इस चैनल के हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने यूट्यूब जो है 2015-14 में स्टार्ट किया था। उस टाइम पे मेरा एक चैनल था एस आर टेक के नाम से, जिसमें लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर थे, जैसे कि आप स्क्रीन शॉट्स में देख सकते हैं। लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने चले थे और अच्छी खासी व्यूअरशिप भी थी। बहुत सारा पैसा मैंने यूट्यूब से कमाया है। जी हाँ दोस्तों, ये बताने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता। मैं आपको कंफर्म बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में भी यूट्यूब में बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है अगर आप अच्छे तरीके से काम करें तो। तो तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ आज के दौर पे YouTube पे काम करने का। तो 2014-15 में जब हमने YouTube स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, YouTube के वीडियोस को देखते थे, सीखते थे और अपने वीडियोस पे इंप्लीमेंट करते थे। 250-300 वीडियोस जब हमने पार किया उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे पहला और दूसरा पेमेंट जो है रिसीव किया था हमने। आप देख सकते हैं जो हमारा पहला वाला चैनल था उसका स्क्रीन शॉट आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अपने चैनल पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे तरीके अपनाए, बहुत सारे चीज़ों को सीख करके अपने वीडियोस पे इम्प्लीमेंट किया। और इम्प्लीमेंट करने के बाद जब हम 300-250 वीडियो पार कर चुके थे उसके बाद हमारा पहला और दूसरा जो है अर्निंग हमको मिला था। लेकिन उसके बाद जो है लगातार हमने बहुत पैसे कमाया, यहाँ तक कि पैसा इतना कमाया कि हमने अपने शहर में खुद का एक घर यूट्यूब की कमाई से लिया है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप डीमोटिवेट मत होइए। YouTube पे पैसा बहुत है लेकिन उसका कमाने का तरीका अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले YouTube से सीख करके कमाते थे लेकिन अब सीखने का टाइम बहुत कम है आपके पास में। मेरा कहना यही है इन द शॉर्ट कि अगर आप YouTube पे काम करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हफ्ता में 4-5 वीडियो डालिए। जरूरी ये है कि एक वीडियो डालिए लेकिन उस वीडियो का क्वालिटी एकदम, और लोगों जितने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं आप उनके वीडियोस को देखिए, उनके वीडियोस में क्या है वो समझिए और समझने के बाद वो वीडियो को आप एक ही डालिए लेकिन 100% वीडियो डालिए ताकि आपके चैनल को कोई वॉच करे, आपके वीडियोस को कोई वॉच करे तो उसे देख करके ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये तो नया है, ये ठीक से बता नहीं पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आप कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे कि हमने YouTube से ही सीखा और YouTube पे इम्प्लीमेंट किया, तो वो दौर अलग था। उस टाइम पे क्या था, बहुत कम लोगों के पास में जो स्मार्टफोन था, बहुत कम लोग जो है YouTube के बारे में जानते थे। लेकिन आज हर किसी के पास में स्मार्टफोन है, बूढ़े बच्चे जितने भी हैं सभी के पास में स्मार्टफोन है और सब जो है यहाँ पे कंटेंट क्वालिटी 100% चाहते हैं। अगर आप भी कोई चीज़ YouTube पे अगर सर्च करते हैं तो अगर आप कोई चीज़ YouTube पे सर्च करते हैं और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी लगता है ऐसा कि यार ये वीडियो सही नहीं है, बोर कर रहा है, किसी तरह का कंटेंट ऑफ क्वालिटी उस पर कम है, तो आप उस वीडियो को बंद कर देते हैं। बस यही चीज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि अगर आप कोई वीडियोस बनाते हैं, सीखते हैं, अभी क्या है कि आप जब भी यूट्यूब पे उतरिए, हो सके तो आप यहीं से अपने चैनल को कुछ देर के लिए जो है रोक करके रखिए। आप सीख करके वीडियोस बनाने की कोशिश करिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार थंबनेल बनाने की कोशिश करिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करिए। और एक बार लगे कि यार ये अभी दूसरे चैनल के कंपैरिजन में हमारा वीडियो है, आप ये मत देखिए कि हमारा चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं है, व्यूज़ नहीं आ रहे। आप अपने कंटेंट को दूसरे जो बड़े क्रिएटर हैं उनके साथ में मैच करिए। अगर आपका कंटेंट लगभग
इट द 60% और 70% भी अगर मैच करता है तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अगर आप महीने में 4 वीडियोस पोस्ट करते हैं तो 4 वीडियो में से 3 वीडियो आपका जो है अच्छे रैंक पे आएगा और बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे इसमें। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप मेरे इस नए वाले चैनल पर देखिए, बहुत कम वीडियोज़ मैंने इसमें अपलोड किए हैं। 1-2 साल पहले मैंने 1-2 वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद बहुत कम वीडियोज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगे और 50 से 60% वीडियोस में अच्छे खासे व्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको जेन्युइन प्रूफ जो यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आगे वीडियोस में आने वाले ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, ऐसे कुछ हिडन ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने चैनल्स को जो है ग्रो कर पाएंगे। मैं कोई ऐसा खास चीज नहीं बताने वाला हूँ, मैं एक वही चीज बताऊंगा जो कि मैंने खुद के चैनल से एक्सपीरियंस किया है, उतने दिनों से आज तक का जो जर्नी है, जिसमें जो चीज सीखा है और जो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी सीखना चाहिए, वो मैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा। YouTube में बहुत पैसा है, आज भी पैसा कमाया जा सकता है, मगर उसके लिए थोड़ी सी लर्निंग आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप जब एज ए बिगनर उतरते हैं और उसके बाद आपको लगता है यार पहला वीडियो है ऐसा चल जाएगा, तो आप ऐसा मत सोचिए। आप फर्स्ट वीडियो से ही जो है अपने क्वालिटी ऑफ कंटेंट को जो है एकदम 100% रखने की कोशिश करिए। दूसरे बड़े क्रिएटर से अपने कंटेंट को कम से कम मैच करिए, उसका क्वालिटी जो है, एडिटिंग का तरीका, बोलने का तरीका, वो मैच अगर आप करते हैं तो आपके वीडियोज में वॉच टाइम 100% मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला था। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि अभी इस टाइम पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेहनत आप YouTube पे दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको बैकग्राउंड में रख करके करिए और एक बार में फुल एंड फाइनल प्रोसेस के साथ में YouTube पे उतरिए, अदर क्रिएटर के साथ में अपने कंटेंट को मैच करिए। अगर आप क्रिएटर्स हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि इस तरह के और भी टिप्स मैं आपके लिए लेकर के आऊं, मैं चैनल पे ऐसा कोई भी चीज नहीं बताऊंगा कि आप जो है अपने वीडियोस पे कैसे हाई व्यूज ला सकते हैं, ये ट्रिक है, ये ऐसा नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। एक सब मैटर करता है आपके कंटेंट ऑफ क्वालिटी पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि इस तरह के और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं कि मोनेटाइजेशन मैंने कैसे किया, मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके सामने दिखाऊंगा और मैं आपको यहां तक कि अपने चैनल के रेवेन्यू भी दिखाऊंगा, जो कि बहुत कम लोग यहां पे दिखाते हैं और मुझे ये दिखाने में कोई भी परेशानी नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। एक बार फिर से दिल से थैंक यू आप सबका। आप सबके प्यार और मोहब्बत के कारण आज हमारा चैनल एक जो है छोटा सा माइलस्टोन पार कर चुका है और उम्मीद है ऐसे ही आप लोग हमसे जो है प्यार दिखाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो अगर मैं पोस्ट करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।